सालों से परेशान है। यहाँ पे लोग गंद फैलाते हैं, पीते हैं, बोतलें फोड़ते हैं और गंदगी करते हैं। ये बिल्कुल बंद होने चाहिए, किसी भी कीमत पे नहीं चलने चाहिए। अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ सकते हम अकेले। यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है, माँ बहन की गालियाँ देते हैं। बेसिक से मार्केट के अंदर है, लेकिन रेजिडेंस बिल्कुल उनके इतने नज़दीक हैं कि कोई भी लेडीज वहाँ पे शाम को ना तो दवा लेने जा सकती है, ना मार्केट में कोई सामान लेने जा सकते हैं। हर एक आदमी के नाम, और वहाँ पे शराब के दुकान के बिल्कुल बराबर में ही लोग खड़े होकर शराब पीते हैं और वहाँ पे गंदी गंदी गाली देते हैं। मैंने वीडियो क्लिप करके भेजी हुई भी है। शराब दुकान के आस पास ऐसा हो रहा है, दैट इज अ प्रॉब्लम। यस, अगर उनको कुछ कह दो, मैंने उस दिन कहा तो वो लोग मेरे को ना बोतल तोड़ के मारने आ गए, तो मेरे साथ तीन चार लोग थे, मुझे बचा लिया, नहीं तो हो गया था। वहाँ पे मर्डर भी हो चुका है इसी दुकानों की वजह से। आप चुप रहो, बोल रहे हो भाई, मैं तो छुप रहा हूँ। आपका अपने उसके लिए है, आप ठेका मत बंद होने में, ठीक है नहीं? इनकी आवाज के लिए दबने देंगे, पब्लिक की आवाज है, पब्लिक की आवाज भी दबने देंगे, चाहे कोई कितना भी जोर लगा दे। 40 से 50 लोग हैं, बिल्कुल बेकार जो एंट्री होती है, गलत। मैं मानता हूँ बिल्कुल, मैडम मेरे माता बहनों की बात बिल्कुल सही है। हम रोज 40 से 50 की एंट्री पीछे रोज खड़ी होती है जी। मैं खुद कह रहा हूँ, मेरी दुकान है, मैं खुद कह रहा हूँ, पुलिस वाले नहीं हटाते, नहीं हटाते। वहाँ से लड़के नहीं निकल सकती, दो बार मैंने सर को भी बोला सर, दो लड़के जा रहे थे, दुपट्टे तक खींचे गए, एक तो बम पे भी थप्पड़ मारा गया। ये कहां तक का हिसाब है? मैं नीचे खुद उतरी थी, मेरे बच्चों ने कहा मम्मी आप मत जाओ, मैंने कहा बेटा आज मेरी भी बेटी है नीचे जाएगी तो कल मेरी बेटी को भी डर है इस चीज का। आपको मेरे क्यों बोला यार, दोनों पार्टी से सुनने के लिए, आप दोनों पार्टी से बात कर लीजिए, मेरे कार्ड करके जो कार्रवाई करना है वो करेंगे। ठेका बंद करवाने के हक में कौन से है? कितने भी ठेका बंद करवाने के हक में है, अपना अपना हाथ उठाओ। मुझे समझ आएगा विधानसभा का पहले एमएलए है जो हमारे साथ यहाँ तक पहुंचे हैं, तो इससे पहले जो एमएलए थे बीजेपी के थे, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं।